हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। हमारे पास काफ़ी लेट पेपर आया है, इसलिए हम लेट उसको बता रहे हैं आपको आंसर्स, बट डोंट वरी, ठीक है। पेपर जो है आपका CDP का सेकंड पेपर का जो है सरल आया है, इजी आया है, और जितना मैंने पढ़ाया उसी में से आया। दो क्वेश्चन आए बिल्कुल आउट ऑफ आए हैं। चलिए एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी केवल आप आंसर जान लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट एल सेट है, ठीक है, सेट नंबर एल है जी। तो जिसका भी और कोई सेट हो तो मिला लेना, ये तो फिलहाल एल सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यू ऑफ एबिलिटी, मतलब महारत हासिल करने के लिए योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें यह है इसका जो थर्ड है, ठीक है, केवल आंसर अभी बताएंगे। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, समावेशी कक्षा में क्या होता है, बच्चों को हर प्रकार की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य होता है, रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रन विल लर्न रेट, नहीं वो तो होगा नहीं, इसमें होगा आर ऑफर डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें जो है आपका चौथा वाला सही होगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं बिल्कुल 100% आप मान कर चलिए 99%, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल सही है क्योंकि पेपर इजी आया है। फिर भी चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक की कम्युनिटी इन पाइगेट एंड बाइगोट्स की थ्योरी, मतलब जीन पियाजे और बाइगोट्स की सिद्धांत में समानता इसमें ढूंढनी थी, तो इन दोनों लोगों में समानता थी, चरणों की बात पियाजे जी करते हैं वो तो होगा नहीं, तो चौथा होगा इसमें, ठीक है, जिसने भी जिन लगाया है वो गलत लगाया है, ये चौथा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर चार है, असरसन और रीजन वाला है, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित होती है, मतलब बायोलॉजिकल नहीं, जो जेंडर होता है वो सोशियल होता है, तो इतना तो सभी को पता, तो ये तो गलत हो जाएगा, जब ये गलत हो गया तब ये तो सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों सही वो हो ही नहीं सकते, तब इसमें क्या जो है, इसमें जो है हमारा ए सही है और आर गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारा, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की भावना को हतोत्साहित मतलब कि डिस्करेज किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये जो है भावनाएं वाला है, ये तो हमको पता कि भावना सीखने में रोल अदा करती जगह तो नहीं करते हैं, तो ये तो 100% गलत हो गया, वो तो होगा नहीं, जब ये गलत हो गया तो ये तो दोनों होने नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गलत की है, अब पहला जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चौथा, ये सही है और आर गलत है। पांचवा, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास सिद्धांत के लिए किस विधि का प्रयोग किया, मतलब वो कैसे वो कहानी सुनाते थे डिलेमा वाली, ठीक है, तो इसमें जो थर्ड है बिल्कुल सही लगा हुआ है जिसका भी है। लेव बाइगोट्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, लेव बाइगोट्स्की जी ने जो कहा है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, और जो थाट है वो दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड, एक दूसरे में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें कौन सा हो जाएगा पहला, बिल्कुल सही है। आठवां, देखिए चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर्सनैलिटी सोशल रिलेशंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, भावनाओं का विकास व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन स्थिरता का विकास, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला आंसर है, ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से 99.999% जो इसका आंसर है वो जो होगा मनो सामाजिक विकास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए थोड़ी देर बाद चाहे आप कर लें एनालिसिस बता दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, तो हम आराम से कर रहे हैं। अभी कथन यह है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के बहुत सारे अवसर देने चाहिए
और उदाहरणों गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, सही है, एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल्स। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण द्वारा होता है, ये भी सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये इसमें हो जाएगा आपका दूसरा वाला। इनकी सबकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तब आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अभी केवल आंसर लगाइए। स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया पटर वहीकल से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, मतलब जिनको डिसलेक्सिया आप उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वर्गीकृत और वर्गीकरण के स्कीमों को करने की आवश्यकता है, छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को। अब देखिए पर्यावरण वर्ड आया है, पर्यावरण में कौन सी बुद्धि होती है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो और इज आवर राइट, बिल्कुल सही है। 12 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें दो दिन पहले ही जो आकाश कनौजिया जी ने पूछा था, ठीक है, मानदंड और मानक संदर्भित आकलन वाला से रिलेटेड है, तो इसमें जो है तीसरा वाला सही होगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन जो होता है उनमें तुलना की जाती है, जिससे हमारी भर्ती परीक्षा वाला जो पेपर होता है वो वाला, और सीफार सीटेट सीफार क्राइटेरियन, तो इसमें तीसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने बाधा डालता है? ठीक है, तो एक तो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो यही होगा तीसरा। 14 क्वेश्चन नंबर विश्लेषणात्मक चिंतन, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें ज़्यादा सोचना विचारना पड़े, कुल मिला के आप इसमें बात की जा रही है सीटी की, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन की, तो इसमें जो पहला हो जाएगा हमारा बिल्कुल। 15 क्या है? संवेदनशील अवधि व समय अवधि होती जिसके कारण कुछ डाट 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 विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, सेंसिटिव पीरियड और दोस्ट टाइम ड्यूरिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, तो इसमें जो है बिल्कुल सही है, पर्यावरणीय कारक है। 16 अभी कथन है, 16 है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, बिल्कुल 100% करेक्ट। शिक्षकों को विविध प्रश्नों के शिक्षार्थी पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह कार्य और बातचीत, यहाँ तक ये सही है, बिल्कुल यहाँ तक सही है, लेकिन बचना जैसे गलत बड जोड़ दिया तैसे ये गलत हो गया, बचना नहीं है बातचीत करना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, रीजन गलत है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए इज राइट और आर इज इनकरेक्ट, ये सही है और आर गलत है। 17 पियाजे के अनुसार बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीटेट में, किस प्रकार से डिफरेंट होते, तो बच्चे जो होते क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ना कि क्वांटिटी, तो गुणात्मक रूप से बच्चों की जो सोच होती है, ध्यान कीजिए पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर सही। 18 में ऊपर कर लेते हैं, 18 का कौन सा होगा? देखिए स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए जरा, लर्निंग टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, नहीं हायरार्किकल नहीं होती है, इंटररिलेटेड वगैरह होती है, तो ये तो गलत हो गया। ढांचे के भीतर हमको काम नहीं करना है, हमको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बना के चलनी है, ठीक है, तो ये गलत हो गया इसलिए, तो ये हमारे दोनों गलत हो गए इसमें, सो फर्स्ट इज राइट। 19 आर्टिज्म स्वाधीनता जिसको हम कहते हैं, आर्टिज्म क्या होती है? तो आर्टिज्म क्या है? इन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू, इसमें ग्रहणशील नहीं होगा, इसमें खोज आधारित डिस्कवरी। 21 जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या होना चाहिए? क्यूरिकुलम शुड बी डिजाइनड कीपिंग चिल्ड्रन एज ग्रुप
एंड स्टेज इन माइंड, फोर्थ या वो राइट ऑप्शन, इसमें चौथा होगा, इसमें चौथा सही है, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, जिसका भी पेपर है। 22 में क्या है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज, ये कम्युनिटी क्वेश्चन पर, कम्युनिटी क्वेश्चन में मैंने लगाया था, तो इसमें होता मीन मेकिंग, नॉलेज एवल एंड मीन मेकिंग, चौथा सही है। 23, रमा एक शिक्षिका जो वैगुरु सिद्धांत को अपने इच्छा में लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए छात्रों समूह में नियुक्त करते हैं, कक्षा के दौरान छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के संघर्ष करता है, रमा के लिए छात्रों में मदद का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला है वही आंसर सही है, छात्रों के समस्या पर काम करे और शामिल करके आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। इजी क्वेश्चन, इजी पेपर आया है इसका, CDP का, अन्य सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है। 24, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रेन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्निड, कि बच्चों सीखना, अच्छा मतलब एक दूसरे को सिखाना, मैंने आपको सिखाया, आपने हमको सिखाया, रेसिप्रोकल टीचिंग, फर्स्ट इसमें पहला वाला होगा, ठीक है, पहला सही है। 25, छात्रों के विभिन्न समूह को पूरा करने में कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी है शिक्षण, ठीक है, तो सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड मैंने हमेशा बताया था, बट काट दिया करो जहाँ पर भी, मुझे जो गलत है तो चौथा तो होगा नहीं, ठीक है, जो गलत हो गया। अब ये कहाँ कहाँ किस ऑप्शन में है, देखिए इसमें भी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, जब तीनों सही होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा, जे वाला सही है 100%। 26, विद्यार्थी समालोचना था CT क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बार बताया था, तो इसमें हो जाएगा ऐसे सवाल जिनमें निष्कर्ष व्याख्याएं शामिल हों, नीड एनालिसिस अवॉइड, अवॉइड नहीं करना हमको, हाँ अच्छा ठीक, चौथाई सही है इसमें बिल्कुल। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव जो मैराथन क्लास है सबसे लास्ट टॉपिक यही है इसमें लगाया हुआ, मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है, छात्रों को स्वयं, बिल्कुल थर्ड सही है। 28, छात्रों के लिए कक्षा प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी, मतलब फीडबैक कब इफेक्टिव होगी, सीखने की गतिविधियों के दौरान और पश्चात, एज वेल एज आफ्टर एंड लर्निंग, फोकस ऑन व्हाट द चिल्ड्रन कैन नॉट, नहीं वो तो गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तीसरा ही सही है। 29, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। ज्ञान उत्पादन निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, ज्ञान जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है, तो आर तो गलत हो गया, जब आर गलत हो गया तो ये तो दोनों होंगे नहीं, इतना तो पता हो गया, तो इसमें जो है हमारा पहला सही है, एस इज राइट एंड आर इज फॉल्स। सभी लोग अपना स्कोर लिख दें नीचे, ठीक है, और जो भी हमसे बच्चे पढ़े हुए होंगे, ठीक है, CDP में तो फिलहाल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फिलहाल सभी लोग कमेंट करके हमें बता दें जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले। 30 क्वेश्चन है, सुनीता 12 वर्ष की लड़की है, संगीत क्षमता रखती है, माता पिता है दोनों ही गायक है, मतलब उसके माता पिता भी हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, सुनीता की कक्षा संभावित, तो माता पिता हैं इससे ये क्या हो गया, उनकी हेरिडिटी, ठीक है, अनुवांशिकता, और वो सीखने भी जा रही प्रशिक्षण लेने, जेतु का हो गया इन्वायरमेंट, तो अनुवांशिकता और वातावरण, मैराथन क्लास में बिल्कुल ये चैप्टर है, नेचर एंड नर्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो सभी जे हो गए हमारे, अब 99% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिला लीजिए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करके बता दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।